इस समाचार के प्रायोजक है स्मार्ट लोगों की पसंद फ्रेश मार्ट किराना जनरल स्टोर, दुल्हन साड़ी एंड वस्त्र भंडार, महिलाओं की पहली पसंद। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में नगर पालिका द्वारा स्वच्छ प्रतिष्ठान सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। इससे पहले नगर पालिका के स्वच्छता दूतों ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयों सहित सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में जाकर एक पत्र सौंपा, जिसमें इस प्रतियोगिता के लिए नियम व शर्तें लिखी गई है। इस पत्र में लिखी गई अनिवार्य बातों को अमल में लाकर प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए कहा जा रहा है। आने वाले दिनों में नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण पालीवाल, CMO RK युनाति सहित सभापति और अधिकारी कार्यालयों का और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेंगे, जिसमें प्रतिष्ठानों को नंबर दिए जाएंगे और प्रथम व द्वितीय पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। सर, इसके अंतर्गत जो है अपने पांडुना में जो प्रतिष्ठान हो गए, स्कूल हो गई, कॉलेज हो गए, बैंक हो गए, तो इसके अंतर्गत सर इस स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत उसको चयनित किया जाएगा, मतलब रैंकिंग के लिए। इसमें ये देखा जाएगा कि आपके प्रतिष्ठान में इन 10 मूलभूत सुविधाओं में से सभी सुविधा पर्याप्त है या नहीं है। जैसे अब अपना जनपद कार्यालय हो गया, यहाँ गीला कचरा तो नहीं होगा, केवल सूखा कचरा जैसे पेपर, तो इसके लिए भी हम आपसे ये अपील करते हैं कि आप इसके लिए भी नीले डस्टबिन का यूज़ कीजिए, जिससे बाहर के लोग, अब जनपद है तो इस कार्यालय में बाहर के भी कई लोग आते हैं, वो भी यहाँ से सीख के जाएंगे कि जनपद में सूखे कचरे के लिए नीले डस्टबिन का उपयोग करें। तो सर, इसके पश्चात नगर पालिका के द्वारा एक चयनित समिति बनी है, जिसमें अपने नगर पालिका के CMO सर अध्यक्ष है। यह समिति इसके पश्चात आपके प्रतिष्ठान की निरीक्षण करेगी और इसके पश्चात निकाय स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर इसकी रैंकिंग की जाएगी। ठीक है। शादी की खरीदी करनी है या त्योहारों पर मन पसंद शॉपिंग, याद रखिए बस एक नाम, दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार। सभी प्रकार के कपड़ों, शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां, सभी पर भव्य 50% की छूट। अवसर का लाभ लेने एक बार अवश्य पधारिए। दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, सरगम टॉकीज के पास, तार बाजार, पांडुर। लाखों रुपए की लागत से बनाया गई इटावा मारूर डामरीकृत सड़क के निर्माण को लेकर अभी से शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि सड़क की मोटाई जितनी टेंडर में दर्शाई गई है उतनी निर्माण स्थल पर नहीं है। शिकायतकर्ता तेजस सुरजू से शिवसेना के जिला अध्यक्ष संजय इंगोले, दीपेश तैकित सहित अन्य लोगों ने सड़क निर्माण की शिकायत SDM सहित पुलिस से की है। युवकों ने बताया कि सड़क पर डामर हाथ से निकल रहा है और जरा से डामर में मिट्टी हाथ को लग रही है, जिससे निर्माण एजेंसी क्या लीपापोती कर रही है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इधर PWD विभाग के इंजीनियर राजेश दुते का कहना है कि मोटाई को लेकर शिकायत प्राप्त हुई है। टेंडर में 20 mm की मोटाई है, जबकि गांव वाले 80 mm चाह रहे हैं। जो भी शिकायत है उसका निराकरण किया जाएगा। गौरतलब है कि मारूड से इटावा तक 2.5 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है, जिसकी लागत 65 लाख रुपए बताई जा रही है। स्मार्ट लोगों की पसंद फ्रेश मार्ट। महानगरों के बदलते बाजारों की श्रृंखला अब पांडुना में बाम्बल बंधु लाए हैं फ्रेश मार्ट सुपरमार्केट किराना एंड जनरल। डेली नीड्स, ड्राई फ्रूट्स, किराना, बिस्किट एंड चॉकलेट, क्लीनिंग प्रोडक्ट और बहुत कुछ एक ही छत के नीचे। सभी सामान डेली डिस्काउंट के साथ। अब दुकान दुकान घूमने की झंझट से छुटकारा, बचाओ अपना पैसा और समय, क्योंकि फ्रेश मार्ट आपको एक ही छत के नीचे देगा घर की जरूरत का सारा सामान। तो आज ही खरीदारी करने पधारिए फ्रेश मार्ट सुपरमार्केट। फ्रेश मार्ट सुपरमार्केट, पता SBI ATM के बाजू में, महेश्वरी कॉम्प्लेक्स, पंचशील चौक, पांडुना। BCN News पांडुरा को अपने टेलीविजन सेट पर देखने के लिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। और हाँ, हमारे YouTube चैनल BCN News पांडुरा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।